पार्क गई हुई थी टहलने के लिए। ये लो, यहाँ पर भी मेरा कूपन था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो शेड्यूल था वो ये था कि मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं जाऊंगी पार्लर, कुछ बहुत हेयर कटिंग वगैरह कराऊंगी, मतलब कुछ एक अच्छा से स्टाइल देने वाली थी मैं। मैंने सोचा था कि जब से ही मैं दिल्ली जाऊंगी हेयर कटिंग कराऊंगी, थोड़ा सा पार्लर वगैरह का काम था, थ्रेडिंग अपर लिप्स एंड ऑल ये सारा कुछ भी कराने को था। बट क्या है ना कि जब से मैं आई हूँ रात से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश हुआ है। और मौसम जो है ना, मैं आपको दिखाऊँ पीछे, मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी बारिश रुकी हुई है, अदरवाइज़ पूरे दिन से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से सारा कुछ प्लान कैंसिल करना पड़ा, पार्लर वगैरह का नहीं किया। ठंड भी ज़्यादा है और बच्चे को 3-4 दिन के बाद मिली हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ बच्चे को थोड़ा सा टाइम दूँ और मतलब अच्छा सा मोमेंट मैं बच्चे के साथ बनाऊँ, थोड़ा सा प्यार करूँ और थोड़ा सा समय दूँ। इस वजह से भी मैं नहीं जा पाई। और सर्दी जितनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है कि हेयर कटाने कट कराने के बाद जो है ना हेयर वॉश करना होता है, वो तो सोच के डर लग जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पीछे जो है ना वो मौसम कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। अभी शाम के 4 बजे हुए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब अंधेरा जैसा हो गया, लग रहा है कि 6 बज गए हैं और अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 10 रुपये का एक पाव धनिया सुबह में निकाले, हर रोज बेचने आते हैं इधर ही। ये लो, यहाँ पर भी मेरा पोपट हो गया। सोचा था सब्जी वगैरह लेने के बाद जो है ना पार्क में थोड़ा सा वॉक करूँगी, और ये टाइम थोड़ा मेरा वॉकिंग का रहता है। आज बारिश की वजह से वॉक नहीं कर पाई, सोचा था इस वक्त सब्जी लेने के बाद मैं वॉक करने आऊँगी, बट पूरा जो है ना पानी भर गया है। आज सुबह से ही मेरा पोपट हो जा रहा है, और ये देखिए पूरा पार्क जो है ना वो पानी से फिल है। बच्चे वगैरह भी नहीं खेल पा रहे हैं और इसके अंदर घुसना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पार्क गई हुई थी टहलने के लिए, सोचा था थोड़ा टहल लूँगी, बट वहाँ पे जो तो आपने देखा हुआ है कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे टहला नहीं जा सकता। सोच रही हूँ बारिश बंद है, दूध लेते हुए ही घर जाऊँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर फिर से बारिश स्टार्ट हो गया ना, तो ना तो फिर मैं दूध ले पाऊँगी और ना चाय बनेगी, और फिर से मेरा पोपट हो जा रहा है। तो चलते चलते पहले दूध ले लेते हैं, फिर बाकी में बहुत अच्छा काम। तो वैभव को मिला है, मैम ने वैभव को गिफ्ट दिया है। क्या दिया है बेटा? ये क्या दिया है? मिक्की माउस वाला, मिक्की माउस वाला दिया है ना। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। ये मैम ने क्या दिया है आपको? सरप्राइज। किस लिए दिया है? हाथ हटाओ, देखने दो क्या सरप्राइज। अच्छा, ये मैम ने आपको लगाया है क्योंकि आपने ट्यूशन में अच्छा अच्छा काम किया है, इसलिए मैम ने दिया है। अरे वाह, आपको पसंद आया? ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, कहाँ पर छुपा के रख दूँ? कमरे में फिर मैं सोऊंगा ना, फिर मम्मी जाएगी। मम्मी ने घर से ढेर सारी मिठाई दी हुई थी। वैभव को पेड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने ये दिए हैं पेड़े, गाजर की बर्फी बोल सकते हैं या फिर इसको गाजर का हलवा बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू एंड ऑल, ये सारा कुछ मम्मी ने घर से दिया हुआ है। और साइड से मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, मतलब सर्दी चल रही है, 3-4 बार तो चाय पीनी ही चाहिए। और वैभव के लिए दूध भी गर्म कर दिया है, दूध और चाय दोनों मिक्स करके मैं उसको देती हूँ, ताकि क्या है ना थोड़ा गर्माहट बनी रहे और सर्दी ना लगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से बारिश हुई है। आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। व्लॉग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, और व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर। और हैव अ नाइस डे, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मैम नहीं ले जाएंगी? मैम एक बार दे देती हैं बेटा, फिर लेती नहीं है मैम। तो मैम ने तो आपको दिया है ना, अच्छा लग रहा है। मैम को थैंक यू बोला आपने।